श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। सॉरी। तो गाइस, आप लोगों की फेवरेट रहती है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या करंट फीलिंग है और क्या है हमारे और रिश्ते का फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, रहने वाला है या नहीं। तो आज इन सभी चीज़ों पे लेकर आई हूँ, बहुत ही डिटेल और बारीकी से हम आज आपके रिलेशन को खंगालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके भी देखते हैं क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की भी क्या एनर्जी है, किस वजह से आप लोगों का रिश्ता कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में आया, हम वो सारा चीज़ आज हम देखते हैं। एक बार फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोबारा लेकर आए हैं। तो आप सभी अपने अपने पार्टनर श्री राधे का नाम लेते रहिए और बिल्कुल वरिड मत होइए, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा कार्ड दिख जाएगा स्पेसेस। चलिए देख लेते हैं, आप अपने अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। श्री राधे, पाइल वन और पाइल टू कर लेते हैं यार, है ना, क्योंकि पाइल वन और पाइल टू आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही वेट करते हो, ठीक है। तो दो झुमके दे रहे हैं आप पाइल वन वालों के लिए, आप ये चूज़ कर सकते हो जिसमें मोर है, और सेकंड पाइल वाले जो भी हैं आप इसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड रहेगा और फर्स्ट। तो चलिए, आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा, वीडियो को चाहे आप पॉज कर सकते हो। श्री राधे प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आखिर हमारे फर्स्ट पाइल वालों के क्या एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स। तो सेकंड को हम रख देते हैं साइड, पहले हम फर्स्ट को ले लेते हैं राधा नारायण के सामने। श्री राधे प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। श्री राधे प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है। आप लोग अपने पार्टनर का नाम लेते रहें, राधे नारायण का नाम लेते रहें। श्री राधे क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, श्री राधे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं, चलिए साइकिल। अपने अपने सिचुएशन से आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। एंजल्स हमें कार्ड दे रहे हैं, चलिए बस अब हम लेते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि आखिर ये सब कार्ड क्यों आए। बॉटम डेक में आया है आपका, बहुत पेन में, बहुत रिग्रेट में हो यार, कब होगी आप लोगों की ये एनर्जी, कब ख़त्म होगी। मैं भी चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये एनर्जी आप लोगों की हटे। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये रीडिंग किन किन से मैच होगी। फर्स्ट, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है। सेकंड, कोई कार्मिक साइकिल है, कार्मिक साइकिल। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली है, ये उनसे मैच हो सकती है। और दूसरा ये कि आप लोगों, आप ये उनसे भी मैच होगी जो जिनको ये लगता होगा कि शायद हमारे भाग्य में, किस्मत में यही है। और किसी किसी का ये रिलेशन कार्मिक ही था, जो आपको कार्मा देने आया था और कार्मा देकर चला गया आपकी लाइफ से। किसी किसी का आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का, कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप, या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, जो डिवाइन टाइमिंग का आप लोग वेट कर रहे हो। और सेम आपके पार्टनर की भी यही है कि भाई समय ठीक होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैसेज करूंगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है, मुझे यहाँ पे
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है, हालांकि अभी कार्ड नहीं आया है बट है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोगों के पार्टनर है ना, एक साथ कई चीज़ों को लेकर चलने वाले होंगे, बिल्कुल। माइंड से बहुत चालाक, शातिर, चतुर और बिना सोचे समझे बेधड़क धाड़ देना, यानी कि सामने वाले को ये न देखना कि भी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है या कुछ भी हालात है ना, तो गुस्से में धाड़ देना, यानी कि बस सामने वाले को डाउन करना है, ठीक है। उसकी सुननी नहीं है, डाउन डाउन, यानी कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ। आपके पर्सन इस तरह से हो सकते हो, बैलेंस पर्सन भी है ये, बैलेंस। आप किसी किसी सिचुएशन में आपको और आपके अपने फैमिली को और आपके फैमिली को भी बैलेंस लेके चलने वाला पर्सन है ये आपका। दूसरा ये दिख रहा है कि ये जॉब में ना ये बाहर जाते होंगे, घर से काफ़ी दूर ट्रैवल करके इनका आना जाना मुझे दिख रहा है, ट्रैवलिंग में है, मेट्रो या फिर यूँ लगा लो आप गाड़ी से, मतलब थोड़े दूर है, दूरी पे है और गाड़ी से इनको आना जाना, कोई ना कोई चीज़ का आना जाना इनका होता ही रहता है, ठीक है। टूरिंग टूरिस्ट भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, माइंड से भी नहीं स्थिर रहता और खुद अपने बॉडी से भी स्थिर नहीं रहता। चलिए और देख लेते हैं क्या है आखिर आपके पार्टनर के। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो आपके पार्टनर हो सकते हैं और वेल्दी हो सकते हैं, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पैसे की कोई टेंशन नहीं है और मेहनती, पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, वो पर्सन भी हो सकता है। हो सकते हैं कि आप लोग स्टूडेंट भी हो यहाँ पे, ठीक है। कोई बड़ा कोई छोटा भी हो सकता है। श्री राधे, प्लीज़ न्यूज़ बताएं आखिर ये क्यों आया है, क्या है इनके पर्सन की एनर्जी। ओके श्री राधे, प्लीज़ कर्मा साइकिल क्यों आया है प्लीज़ बताएं। दो कार्ड दे दिए यूनिवर्स ने, तो हमें दोनों ही लेके चलना पड़ेगा। सेवन ऑफ वैंस क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड, थर्ड पार्टी बैलेंस क्यों आया, हैप्पी फैमिली। देखो मैंने कहा था बैलेंस पर्सन। और बॉटम ऑफ डेक में देखो क्या है, पास्ट लवर, यानी कि पिछले जन्मों का। तो गाइज नो कॉन्टेक्ट में अब आप लोग अपनी पार्टनर की करंट एनर्जी जान लो। आपके पार्टनर इस वक्त इस समय बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट में, क्योंकि इनको इन्हीं के घर वालों में से किसी एक इन पर्सन ने इनको बहुत दुखी किया है। किसी ने, हो सकता है फैमिली में हो चाहे घर में हो, किसी ने धोखा बहुत बड़े तरीके से इनको धोखा दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही। अभी देखो कैसे नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी, टेन ऑफ सोर्स की, यानी कि 10-10 तलवारें पीट पीट लगी हुई है उनके, ठीक है। और जहाँ तक है ये फैमिली मेंबर में से ही कोई इनके अपने हो सकते हैं। और आपके सेपरेट होने के बाद ये सब साइकिल कर्मा स्टार्ट हुआ है, यानी कि कर्मा ने इनको हिट किया है। हो सकता है कि आप लोग जैसे ही आप अलग हुए हो, सेपरेट हुए हो, तब इनकी लाइफ में कार्मिक बैगेज जो है ज़्यादा हो गया और कर्मा इनको मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जिस भी पर्सन से या फिर फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, वहाँ से थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो उस थर्ड पार्टी को इनपुट देने में या फिर सारी मेहनत एफर्ट देने के बाद भी इस बंदे को जो साइकिल है वो साइकिल एंड नहीं हो रहा है, कर्मा साइकिल एंड नहीं हो रहा है, डेथ का कार्ड, साइकिल एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ ना बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो मैंने कहा ही है कि आपसे सेपरेट होने के बाद ही इस बंदे को ये कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ है। तो कर्मा के साइकिल के नीचे देखो क्या है, एट ऑफ वैंस, जो एक मैसेज, कॉल, टैक्स
करने का कार्ड होता है, और तो ये जजमेंट का कार्ड आया ठीक कर्मा साइकिल के नीचे, तो यूनिवर्स की तरफ से इनकी लाइफ में जजमेंट हुआ है आपके लिए। शायद हो सकता है कि ये जो भी अभी इस समय झेल रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें शायद आपको देकर गए हैं, या फिर आपके एनर्जी नहीं मिलने की वजह से ये इंसान कार्मिक साइकिल में फंस गया है। इस टाइम ये कार्मिक साइकिल में फंस गया है बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से। थर्ड पार्टी ने भी, थर्ड पार्टी की तरफ से भी ये मूव ऑन हो चुका है इंसान जो भी है। देखो थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन जो है बिल्कुल मूव ऑन हो चुका है इस समय। वो टोटली अकेले हैं और फैमिली मिस कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर साइकिल एंड नहीं है। डिवाइन ने हिटिंग की है इनके ऊपर, इस वजह से ये कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। ये देखते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी को इन्होंने क्यों छोड़ा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्यों छोड़ा है, किस वजह से छोड़ा है, जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मैम बताइए छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट कार्ड है, छोड़ चुके हैं। मतलब अगर साथ में भी होते होंगे ना, तो एक जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ भाई इक्वल गेम एंड टेक, तूने 5 दिया तो मैंने भी तेरे को 5 दिया, तो इस तरह की उनमें मन मुटाव है। अभी सेपरेट है वो, दिल से तो बिल्कुल भी सेपरेट है। उल्टा ये देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स, तो इसका मतलब ये है कि अब पहले ये अपने आप को यदि क्वीन बताती थी या फिर बिल्कुल राजा रानी की तरह करती थी, तो इस वक्त जो है ये आपके पर्सन, इनको सारा समझ में आया कि जो चीज़ ये दिखा रही थी वो चीज़ है नहीं। ये थर्ड पार्टी की असलियत फूट फूट के सामने आई है, और अब ये आपको मिस करते हैं, ठीक है। अब ये टोटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके तरफ भागना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड में आए हैं। और आप लोगों का देखो, मैं साइन बता दूं यहाँ पे, आपके टोटल सभी साइन हैं लिब्रा हो सकते हो आप, और जेमिनाई भी हो सकते हो, विर्गो भी हो सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। स्ट्रॉन्ग जो मेरे को फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है श्री राधे। प्लीज़ यूनिवर्स, आप लोग मीन राशि भी हो सकते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं हरमेट। अब ये आपके बारे में टोटली बहुत सोच रहे हैं इस टाइम, इतना सोच रहे हैं ये देखिए फिर घूम के आ गया। ये उस समय ऐसे था आपके पार्टनर की तरफ से, और इस समय ऐसे आए, यानी कि ये आपके बारे में सोच रहा है कि मैंने उसको धोखा दिया है। वाओ सुपर, ये बंदा इस समय रिग्रेट है और आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहता है। ये देखिए बाहर निकालना चाहता है, यानी कि यदि आपको इसने इस एनर्जी में डाला है ना, तो ये आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको दूर से देख रहे हैं यार, सो स्वीट, दूर से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फायरी है और आपकी तरफ यू नो किसी भी हाल में बढ़ना चाहता है ये इंसान, ठीक है। आपके लिए की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, अगर आप फैमिली है, आपके कोई चिल्ड्रन हैं आप दोनों का, तो अभी अपनी फैमिली में फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है, आप में ही अपनी फैमिली देख रहा है ये इंसान, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, ओके। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जजमेंट बहुत तगड़े वाली हुई है थर्ड पार्टी से। अब ये बिल्कुल इंसान जो है बहुत दूर है, कर्मा इनको बहुत हिट किया है। चलिए हम देखते हैं कि ये तो इनकी करंट फीलिंग है, बट ये अभी आपके बारे में डीपली ट्रू फीलिंग क्या रखता है, क्या है इसकी डीपली ट्रू फीलिंग इस टाइम। श्री राधे, एक कार्ड पुल आउट हो गया है, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, अभी मैं शफलिंग करना चाहूँगी, ठीक है श्री राधे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपली ट्रू फीलिंग क्या है श्री राधे। देखो कार्ड की मीनिंग बताने लग जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और
यहाँ पे टैरो रीडर नहीं सिखा रहे हैं ना, तो जो आपको एनर्जी पकड़ में आ रही है, आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप देखें, नहीं तो बहुत सारी वीडियो हैं यार, कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। इनकी ट्रू फीलिंग तो माशाल्लाह क्या ही बताएं, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं है, क्योंकि शायद इस पार्टनर ने आपको आगे से बोला हो कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, जाओ यहाँ से, मैं नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, इस तरह की कोई आपसे इसने बात की होगी। ये पहले बर्डन लेता था और स्ट्रांगली आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी, देखते हैं कि थर्ड पार्टी में आखिर क्यों गया। ट्रू फीलिंग इसकी आपकी ये बहुत ज़्यादा ही आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस समय ये आपको ना एक वेल्दी पर्सन देख रहे हैं, यानी कि आपको एक अबंडेंस के रू उसमें हाईली पावर में देख रहे हैं, बिल्कुल पावर में हो। इनके पास आपके टूवर्ड आकर सब कुछ बयां करने का ना, कि हाँ भाई मैं सोलमेट हूँ तुम्हारा, तुम मेरी सोलमेट हो, हमसे जो भी हुई है सब चीज़ भूल जाओ, आगे बढ़ो, तो उस चीज़ के लिए इसके पास हिम्मत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये देखना चाहूँगी आखिर ये आपको छोड़कर क्यों गए थे, किस लिए गए थे। बस मेरा दिल कह रहा, मैंने एक सवाल ले लिया, शायद आप लोगों के माइंड में होगी कि ये छोड़कर ही क्यों गए थे भाई, श्री राधे क्यों छोड़ के गए थे घर पाड़ी में, ये सीरियस होता है, क्यों गए थे। सन इनको लग रहा था कि आपसे खुशी नहीं है, खुशियाँ उस तरफ हैं, खुशी उस तरफ मिलेगी, इसीलिए वो आपको एकदम से क्विकली छोड़ के गए होंगे आपके पार्टनर। देखो छोड़ने का कार्ड आ गया और बैक स्टेपिंग की है बहुत बंदे ने, सोच समझ के कमिटमेंट से भागा है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, शादी का हो चाहे छोटा सा कप ऑफर का हो, जस्टिस बिना जस्टिस के आप डिच करके ये भाग गया है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो ये इसकी ट्रू फीलिंग यही है कि आपकी तरफ ये किसी भी हाल में आएगा, ये आएगा, आएगा तो ज़रूर, ठीक है, ये आएगा, बस इसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, लेकिन डिवाइन इनका साथ दे रहे हैं। कोई सुबह का भूला हुआ अगर शाम को आ जाए घर, तो देखो उसको भूला नहीं कहते, तो अगर आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है मुझे एक चांस देना चाहिए, तो आप प्लीज़ आगे बढ़ें, बिल्कुल ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप छोटे हो या फिर वो छोटे हैं, ठीक है, इनमेच्योर की एनर्जी। सिंह राशि, बहुत ज़्यादा सिंह राशि भी इसमें इंक्लूड है, तो आप लोग अपने अपने राशि को भी ध्यान रखें, ठीक है, प्लीज यूनिवर्स बताएं आखिर फ्यूचर में क्या होगा इन दो इनके बीच, फ्यूचर में इनकी क्या होगा, इनके बीच फ्यूचर, इनका रिश्ता क्या होगा फ्यूचर में, क्या ये आपस में मिलेंगे नारायण, प्लीज़ बताएं श्री राधे, प्लीज़ डिवाइन आ जाइए, प्लीज़ स्ट्रांगली मैसेज दें। वाह टू कार्ड आए, देखो वाह फ्यूचर आपका आया है कि ये बंदा धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे, बहुत स्लो है लेकिन ये बंदा बढ़ेगा। देखो ये कार्ड फिर आया है, अभी ये इस एनर्जी में है, ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आते ही ये, हालांकि आपको स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम, तो ये आपके स्टॉक करते हुए आपको देखते हुए कि आपका मूड कैसा है, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसी हिसाब से ये सिचुएशन के हिसाब से आपकी तरफ बढ़कर आ सकते हैं, आकर आपसे सीधा सीधा अप्रोच करेंगे, आपको एक है ना अपने छोटा मोटा गिफ्ट देकर, कोई लॉकेट दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, मुझे एक लॉकेट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप लोगों में से किसी के पास, इनके पास चाहे आपके पास गिफ्टेड लॉकेट हो, कोई लॉकेट हो आप लोगों का, लॉकेट की एनर्जी आई है मेरे पास, ठीक है, तो देख लेना अगर जिसके के पास भी लॉकेट हो तो एक्सचेंज कर सकता है, आपको दे सकते हैं। यदि है तो ये अभी वो लॉकेट देखकर इनको याद आ रहा होगा, या फिर बहुत ही रिग्रेट की एनर्जी तो है ही भाई, देखो क्या बताएं। तो यू नो ये पाइल नंबर 1 की थी, बहुत अच्छी रीडिंग है,
फ्यूचर में आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हो, आप लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल। और थर्ड पार्टी देखो शुरू में भी उल्टी थी और अभी भी ये उल्टी ही आई है, आई होप ये आगे भी उल्टी ही पड़ी रहे। तो मोस्टली फर्स्ट पाइल वालों आपको खुश होने की ज़रूरत है कि आपकी थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जा चुकी है, ठीक है। तो श्री राधे राधे, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है येस और नो का तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी से पाइल वन पाइल टू दे रही हूँ, जल्दी से चूज़ कर लो येस और नो में, ठीक है। येस और नो, अगर पाइल वन चूज़ किया है तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा वन और टू। अगर वन चूज़ किया है तो इसका देख लेते हैं, येस बिल्कुल येस। अगर टू चूज़ किया है तो देखते हैं, बिग येस। तो थैंक यू, आपके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल येस हैं। तो इसी के साथ ये पाइल वन वालों की रीडिंग समाप्त होती है। अब हम चलते हैं सेकंड पाइल वालों में। तो श्री राधे राधे, ठीक है, श्री राधे राधे। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया था, अब हम उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी। तो श्री राधे राधे, चलिए अपने पार्टनर के नाम लीजिए और फटाफट श्री राधे नारायण का भी नाम लेते रहिए ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो सके, है ना। तो श्री राधे राधे, ओम तुम कृष्णाय नमो, ओम तुम कृष्णाय नमो, ओम कृष्णाय नमो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है सेकंड पाइल वालों के लिए। हमारे व्यूवर्स की एनर्जी बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं श्री राधे, ओहो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपने पार्टनर को, क्या है उनकी एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स कार्ड दें, बहुत कार्ड दें। श्री राधे, अपने अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा उसको इसने कैसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, धरती से जब आसमां पे आके गिरा जमीन पे, कहता रहा मगर हे अल्लाह के बंदे हंस दे। खैर यार इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है, बट मैं बता दूँ सेकंड पाइल वालों झूम उठो यार, बहुत बड़ा मस्त मस्त आया है आप लोगों के पर्सन की रीडिंग। तो ख़ास कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है सेकंड पाइल वालों, आप लोगों में कोई मेज़र चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में मेज़र चीज़ें हैं तो प्लीज़ ये पाइल आपकी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये उनसे रेजोनेट करेगी जो स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम है, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम, वाव। पर मैंने बोला ये सेकंड पाइल वालों आप लोगों के लिए देखो सेपरेशन ज़्यादा नहीं, 5 मंथ 6 मंथ या 2 मंथ या 1 मंथ या विद इन 4 मंथ 4 वीक भी हो सकता है आप लोगों को सेपरेट हुए, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है तो आपके पार्टनर है ना आपसे ही सवाल लेके घूम पूछ रहे हैं दिल में इस टाइम। उनकी करंट फीलिंग है कि आप जो हो उनको क्यों छोड़ के चले गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ही सामने से ब्लॉक कर दिया है, उनको लग रहा है जैसे कि आपने ही छोड़ दिया है या फिर इन्होंने आपको छोड़ा हो, मैं नहीं जानती। लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे हमारे व्यूवर्स ने ही उनको छोड़ दिया है उनके हाल पे, जैसे आपने आपकी आपके पार्टनर आपको इस समय ऐसा लग रहा है वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है इस समय। ये डेविल की एनर्जी नहीं आ रही है मुझे, ये फिज़िकल एट्रैक्शन की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपसे फिज़िकल एट्रैक्शन में है और इसको लग रहा है ना कि भी हम बहुत बंधे हुए हैं, हमारे में एक दूसरे में बंधा हुआ है, हम कितना ही दूर जाएं
फिर पास में आ जाते हैं, दूर जाते हैं फिर पास में आ जाते हैं। तो इस तरह की आपके पार्टनर की इस समय करंट फीलिंग है आपको लेकर, उनको लग रहा है कि भाई मैं भाग जाऊं या फिर वो भाग जाए इस कनेक्शन से, लेकिन हमें परमात्मा कहीं ना कहीं से दोबारा मिला देता है, हम मिल ही जाते हैं। और होता भी यही है ट्विन फ्लेम में, क्योंकि ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर की देखो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही अच्छी है। वो बिना सोचे समझे इस टाइम है ना आपको किसी भी हाल में ना एक्शन लेना ही चाहता है, किसी भी तरह एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये सारे क्या है, जस्टिस, ट्विन फ्लेम, और ये देखिए दो दो कार्ड, ये सारे जजमेंट के कार्ड, जजमेंट है। इनके कान पकड़ के डिवाइन ने आपके पार्टनर को जगा दिया है, झंझोर दिया है, बिजली के चार पांच झटके दे दिए हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, ये कनेक्शन एवे ही समझ लिया है क्या, डिवाइन कनेक्शन है भाई। तो इस तरह से ये आपके बारे में, सच बताऊं इस समय कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, डाउट करना बंद कर दो। अगर आपको डाउट है, ये बंदा लॉयल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लॉयल। अगर कोई भी परेशानी हुई है आप लोगों में, नहीं बातचीत है, तो देखो ये बंदा दिन रात सोच रहा है, आप ही को जस्टिस देने के लिए सोच रहा है कि कैसे कैसे बैलेंस करूं मैं, कैसे उसके पास जाऊं। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। सुपर यार, क्या बात है। देखो अगर आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि भी मेरी लाइफ में उसको लगता है कि थर्ड पार्टी है, जबकि थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे बात करना चाहते हैं यार, आपके टूवर्ड आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं आपके लिए। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये आपको बताना चाहते हैं। इनके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है डिवाइन की तरफ से, जो इसके अंदर ये लालसा ज़्यादा है कि आपके पास भाग कर पहुँचा जाए और ये बताया जाए कि ये डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो यार क्या ही कहूँ मैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, बहुत बिगस इतना सुंदर आया है। चलिए अब हम देख लेते हैं, क्योंकि देखो कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए 100% लॉयल है ये इंसान। और श्री राधे प्लीज यूनिवर्स बताएं, और निकाल लेते हैं। किस लिए सेपरेशन हुआ था, सेपरेशन का कारण देखो कुछ भी नहीं, सेपरेशन का कारण सिर्फ और सिर्फ भाग्य चक्र डिवाइन की तरफ से। ठीक है, आप दोनों में ना ईगो क्लैशेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े वाला ईगो क्लैशेस। आपको आपके पार्टनर ऐसा, आपको ऐसा लगा है कि इस कनेक्शन में आपके पार्टनर ने आपको कुछ नहीं दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह लॉयल नहीं थे, आपको स्ट्रॉन्गली ये आपको महसूस हुआ है। आपको बेशक ये लग रहा हो, लेकिन ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का रिलेशन है, ये भी आपको मैनिफेस्ट दूर से ही कर रहा है। ये आपको इस समय अपनी विश की तरह देख रहा है। और दूसरा ये है, आपके सेपरेशन का कारण स्ट्रॉन्गली इक्वल गिव एंड टेक है, आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो ये देखिए, जहाँ जब जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है ट्विन फ्लेम में, यदि डीएम ज़्यादा डालते हैं एफर्ट, तो डिवाइन फेमिनाइन इगोस्टिक होती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा एफर्ट डालती हैं तो डीएम इगोस्टिक होता है। तो उस बीच में मतलब एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है और दूसरा पर्सन का कोई है ही नहीं अता पता, दूसरा पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है देने में, तो वहाँ पे डिवाइन आ जाती है, डिवाइन दोनों को सेपरेट कर देती है, ताकि एक दूसरे को उनकी वैल्यू समझ में आए कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है, नीचे वाले को समझाए, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। ठीक है, लेसन आपको सीखना होता है। ओके, और टिगर आपको बहुत ज़्यादा मिलता था इस कनेक्शन में जब आप होंगे, यानी कि बात बात पे आपके जो पर्सन होंगे आपको टोकते होंगे हर बात पे कि तुमने ये गलत किया, तुम ये करने लायक नहीं हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हें हर बात पे ना एक
ज़्यादा ही डोमिनेट करना, इस तरह की आपके पर्सन की पास्ट में एनर्जी थी, तो आप उस समय यही सोच रहे थे कि नहीं 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 ये बंदा टूबर्ड है ही नहीं। तो मैच कर लीजिए आप किस किस के, ये बंदा देखो मैं बता दूँ आपको, ये आपसे जो है गवर्नमेंट में भी हो सकता है, सिविल डिफेंस या फिर कॉलेज में पढ़ाई, या फिर ये मुझे वकील की एनर्जी ज़्यादा है, वकील मतलब इस पोजीशन पे हो जहाँ पे ये बड़े ओहदे पे हो सकता है। और ये बंदा है ना सच बताऊँ राजा की तरह है भाई, चलती है इसकी, जादू की छड़ी है इसके हाथ में, तो इस तरह की एनर्जी है इस आपके पार्टनर की, ठीक है। मिक्स एनर्जी आई है, अजीबो गरीब मिक्स, कोई बात नहीं, कभी कभी यू नो खीर पूरी से अच्छा खिचड़ी भी होता है ना, तो इस हिसाब की एनर्जी है आपके पार्टनर। चलिए देख लेते हैं आप लोगों का फ्यूचर क्या है, अगर आप लोगों से रीडिंग मैच होती है तो फ्यूचर क्या है इस यूनिवर्स लो कॉन्टैक्ट में जितने भी हैं। और मैं बता दूँ साइन की आप टेंशन मत लेना, इसमें सारे साइन इक्वल थे, ठीक है, सारे साइन इक्वल थे, टेंशन मत लेना आप लोग। जस्टिस या देखो बता दिया मैंने, इस पाइल वालों में ज़्यादा उधेड़ बुधेड़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं यहाँ पे कार्ड सिखाने नहीं बैठी हूँ, एनर्जी चेक कर आप लोगों को बता रही हूँ नारायण की कृपा से। तो आप लोगों को फ्यूचर में इस कनेक्शन, अगर ये रीडिंग आपको मैच हुई है ना, तो 100% आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपके टू वर्ड बढ़ के जस्टिस देगा, ये फर्स्ट में भी आया था और लास्ट में फ्यूचर में यही आ रहा है, यानी कि ये आप लोगों का यूनियन ज़्यादा देर नहीं है, इस सेकेंड वाले पाइल वालों 100% आपका इस मंथ टू मंथ के अंदर अंदर आप लोगों को ये जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन काम डिवाइन इनको धक्का मार रही है, निकल पड़े हैं आपके पार्टनर जस्टिस देने के लिए, बैलेंस होने के लिए। आप लोगों की लाइफ बहुत जल्दी बैलेंस होगी, ये स्टैंड भी लेगा, अगर स्टैंड नहीं ले रहा था तो ठीक है, आप लोग कहीं सिटी से बाहर जा सकते हो अगर रियूनियन होने के बाद, ठीक है। अब हम देख लेते हैं श्री राधे, बिल्कुल आपका यदि कोई सवाल है अपने कनेक्शन को लेकर यस और नो में, तो आप ले सकते हो, मैं टू पाइल रख रही हूँ, वन और टू पाइल, ठीक है, तो देख लीजिए वन और टू। तो वन पाइल अगर आपने चूज़ किया है तो देख लेते हैं यस है कि नो, नो है आपका। यदि सेकंड पाइल आपने चूज़ किया है यस और नो में, तो देखते हैं क्या है, यस है आपका, टाइम लगेगा बट यस, ठीक है। डेक भी बहुत सुंदर है, लौट रहे हैं पार्टी, क्या बात है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कर कीजिएगा, और यूं ही अपना प्यार देते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। श्री राधे नारायण आप सभी की लाइफ में ब्लेसिंग भर भर के दे आपको। श्री राधे राधे।